गोरेगांव के अयप्पा मंदिर में एक सकल मराठा क्रांति महामुख मोर्चा से पहले अभिजीत राणे के अगुवाई में एक बैठक की गई। इस बैठक के दौरान अभिजीत राणे ने सैकड़ों कार्यकर्ताओं को बताया कि इस मोर्चे में अधिक से अधिक संख्या में लोग शामिल हुए और इस मोर्चे को सफल बनाए। तौर पर 9 अगस्त मराठा मुख मोर्चा महाराष्ट्र में और महाराष्ट्र से अलग अलग जिलों से ये मोर्चा मुंबई तक पलायन हुआ है और आज मुंबई के गोरेगांव स्थित अयप्पा मंदिर में गोरेगांव के मराठा समाज के माध्यम से गोरेगांव में हमने ये मीटिंग का आयोजन किया। मुझे निश्चित तौर पर विश्वास है कि गोरेगांव ईस्ट वेस्ट ये दोनों एरियाओं से आसपास के जगहों से लगभग 10 से 12 हज़ार लोग ये मोर्चा में शामिल होंगे। निश्चित तौर पर ये ऐतिहासिक मोर्चा है। पूरे महाराष्ट्र में अलग अलग जिलों से बहुत बड़ी तादाद में लोग आने वाले हैं। ये हमारे हक की लड़ाई है, हमारी अस्तित्व की लड़ाई है और ये लड़ाई में हम सब लोग यहाँ पर मराठा समाज को एकत्रित करके ज़्यादा से ज़्यादा लोग ये मोर्चा में कैसे शामिल हो, ज़्यादा से ज़्यादा मराठा समाज की ताकत कैसे हो, इसके लिए हमने ये मीटिंग का आयोजन किया। अगर रूपरेखा की बात करें तो 9 तारीख की रूपरेखा क्या होंगी? अगर वहाँ पे व्यवस्था हो, लाखों लोग आएंगे तो उनके लिए क्या सुविधाएं दी गई? मुंबई के जितने भी हमारे स्वयंसेवक हैं उन्होंने सब पार्किंग की व्यवस्था की है। पार्किंग का वहाँ पर नियोजन होगा, टॉयलेट्स के, चाह के, पानी के, जिधर जिधर लंबे से जो आएंगे जिले से उनकी सबकी हम हर एक स्टेशन पे, एसटी स्टैंड पे, रेलवे स्टेशन, बीटी चर्च, ऐसे जगह पे हम लोग ने व्यवस्था की है। और मुंबई के जितने भी लोग हैं स्वयंसेवक है वो व्यवस्था करने के पीछे लगे गए, वो मोर्चे में शामिल हो गए, मगर जिधर जिधर उनको जो जो काम दिया है वो काम पे वही पॉइंट पे वो रुके रह गए और वो जब तक जितने भी मोर्चे के लोग वापस नहीं जाएंगे तब तक वो जगह पे वहाँ पर रुके वो लोग काम करने वाले हैं। रेलवे स्टेशन हो या फिर एसी स्टैंड हो या बस डिपो हो या रिक्शा स्टैंड हो, सब जगह के जगह पर हमारे स्वयंसेवक तादाद बड़े तादाद में हम लोग वहाँ पर रहेंगे। और इसी तरह मुंबई साफ करने के लिए, स्वच्छता के लिए भी हम लोग ने अलग से एक टीम रखी है, जो भी कचरा ना हो मुंबई के लोगों को उसकी भी व्यवस्था की है। कल का वर्किंग डे होने के कारण जो यहाँ से लोग काम पे जाने वाले हैं उनको तकलीफ नहीं होए, उनमें कुछ ये नहीं होना चाहिए, उनको भी शामिल करने की कोशिश हम लोग करने वाले हमारे स्वयं से हमारे इस तरह का नियोजन हमारा बना हुआ है। बात करें जिस प्रकार से महिलाएं लाखों की संख्या में भी आएंगी, उनकी सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए क्या कुछ वॉलंटियर्स तैयार किए गए या कुछ बंदोबस्त किया? कुछ वॉलंटियर्स, महिला वॉलंटियर्स है और ते सगळे महिलाच आहेत आणि त्या महिलांनाच सुरक्षित हे करणार आहेत आणि जिथे जिथे शाळा कॉलेजामधून पण महिला निघणार आहेत ते वॉलंटियर्स जे टी शर्ट घालून आहेत, शर्ट आणि सगळ्या पाण्यापिण्याची व्यवस्था महिला वॉलंटियर्स करणार आहेत। पण सर एक सवाल है, क्या महाराष्ट्र की बात करें, महाराष्ट्र के आराध्य शिवाजी महाराज ने महाराष्ट्र को बनाने के लिए सभी समाज को एकत्रित किया था, तो आप क्या अपील करना चाहते हैं कि इस मराठा मुख मोर्चा में कौन कौन सा समाज एकत्रित होकर इस यशस्वी करने के लिए क्या अपील करोगे? हमारे साथ में सभी समाज के लोग जुड़े हुए हैं। आज आपने देखा हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज के प्रतिमा पूजन के समय हमारे साथ आज मुस्लिम महिलाएं थी, उत्तर भारतीय महिलाएं थी, हमारे मराठा समाज के महिलाएं थे। हमें अलग अलग भिन्न भिन्न समाजों से ये मोर्चा के लिए समर्थन मिल रहा है, पाठिंबा मिलतो है आणि जे काही लोक आपल्या बरोबर आहेत त्या सगळ्या लोकांना आम्ही सामावून घेतलेलं आहे। निश्चितपणे मराठा मुखमोर्चा यशस्वी मोर्चा होणार आहे।